नमस्कार, वेलकम टू लेट्स कुक अप। मेरे पिछले कुछ एपिसोड में मैं वेज डिश पे ज्यादा ध्यान दे रहा था एंड यही रीजन है कि आज का एपिसोड मैं एक नॉनवेज डिश बनाने वाला हूँ जो बेसिकली मेरे नॉनवेज व्यूअर्स को काफी पसंद आएगा। ये बेसिकली एक क्विक और इजी स्टार्टर है जो आई थिंक बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से आप भी बना सकते हो। सो चलो बनाते हैं चिकन पॉप्स। तो चिकन पॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है, क्यूब शेप में कट किया हुआ। साथ में मैदा और कॉर्नफ्लावर 2:1 की रेशियो में, यानी कि 2 चम्मच मैदा तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया है अच्छे से बीट किया हुआ और ब्रेड क्रम्स, साथ में थोड़ा सा वाइट विनेगर और ओरिगैनो। मसाले में मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन क्रश किया हुआ अच्छे से, और नमक स्वाद अनुसार। तो पहला स्टेप ये है कि हमें एक बोल में पहले ब्रेस्ट पीस को डालना है। इम्पॉर्टेंट है कि इसमें थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब ये जो बोनलेस चिकन है इसमें हम ऐड करेंगे एक एक करके मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगा। थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बाकी का चिली फ्लेक्स हम कोट करने के टाइम डालेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इसमें 1/2 अंडा ऐड करेंगे जो ऑलरेडी बीट करके रखा हुआ है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने जो बोनलेस चिकन लिया था उसको अच्छे से मसाले में मिक्स किया है। अब इसको हमें मिनिमम 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे तक मैरिनेट करके रखना है। तो अब अगला प्रिपरेशन 2 घंटे के बाद। तो हमने जो ब्रेस्ट पीस चिकन है उसको अराउंड 2 घंटा मैरिनेट करके रखा था। अब हम इसका जो कोटिंग है वो प्रोसेस में लग जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम ऐड करेंगे 2 स्पून मैदा। ये जो रेशियो है 2 स्पून मैदा तो 1 स्पून कॉर्नफ्लोर, तो सबसे पहले 2 स्पून मैदा ऐड करेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 स्पून कॉर्नफ्लोर। अब हम ऐड कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स, ये रोस्ट किया हुआ ब्रेड क्रम्स है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इसमें अब हम ओरिगैनो भी ऐड करेंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन को हमें अच्छे से कोट करना है अंडा और ये पाउडर में, जो पाउडर है ये मैदा और कॉर्नफ्लोर का अलोंग विथ थोड़ा सा मसाला। तो ये जो प्रोसेस है इसको हमें 2 बार रिपीट करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम मैरिनेट किया हुआ चिकन को एक अलग से बोल में निकाल के रख लेते हैं। हमें ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसको अच्छे से अब कोट करना है। अब जो कोट करने का प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम मैदा में डस्ट करेंगे। ये जो फेटा हुआ अंडा है इसमें ऐड करेंगे।
अब इसको मसाले में ऐड करेंगे। और वापस मैदा में डस्ट करेंगे। ऐसे ही हम बाकी के भी चिकन पीस को कोट करेंगे। तो हमने जो चिकन पॉप्स है इसको अच्छे से कोट कर लिया है मैदा मसाला और अंडे में दो बार। अब हम क्या करेंगे, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर सपोज आपका जो मैदा का कोटिंग है, मैदा कॉर्नफ्लोर का कोटिंग कम पड़े तो आप वापस ऐड कर सकते हो। जो मैंने मेजरमेंट बोला है ये मैंने मेरे हिसाब से बताया है, अगर आपको कोटिंग कम लग रहा है तो आप वापस ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल लिया है, ये अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम चिकन पॉप्स को फ्राई करेंगे, वो भी स्लो फ्लेम में। अब हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हो कि ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम स्लो कर लेते हैं एंड इसमें चिकन पॉप्स फ्राई करेंगे। अब स्लो फ्लेम रखने का मेन रीजन ये है कि हमारा जो चिकन मीट है ये अच्छे से कुक होना चाहिए और इसको ज़्यादा हमें स्टर नहीं करना है वरना इसका मसाला निकल जाएगा। तो हल्का सा ब्राउन होने के बाद ही हम इसको स्टर करेंगे। अब इस चिकन पॉप्स को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने एक चिकन पीस को एक नाइफ से कट किया और चेक किया कि अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं, तो प्रॉपरली कुक हो गया है और ऑयल भी सेटल हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि आपका चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल के रख लेते हैं। अब हम बाकी के भी चिकन पीस को फ्राई कर लेते हैं। इसको आप जो बोलना है बोलो, चिकन पॉप्स बोलो, चिकन पॉपकॉर्न बोलो, चिकन नगेट्स बोलो, बस इसको ट्राई करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। अंटिल देन, टाटा।